आज महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ। महाराज, इस देव पुत्र शिशु की दो ही गतियां हैं, तीसरी नहीं। यदि यह राजमहल में टिका रहा तो यह अपनी तलवार की नोक से सारी धरती ना पाएगा। यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, परंतु महाराज शुद्धोधन, इस शिशु की एक ही गति है, दूसरी नहीं। यह आपके महलों, रंगशालाओं और सुंदर बालाओं के बाहुपाश में बंध न सकेगा। यह अपना घर छोड़कर सन्यासी अवश्य बनेगा। महाराज, शाक्य कुमार की एक ही गति है, दूसरी नहीं। एक ने कहा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, दूसरे ने कहा सुंदर लड़कियां, महल और उससे जुड़े ऐशो आराम बच्चे को बांध ना सकेंगे, रोक ना सकेंगे। वो बड़ा होकर सन्यासी ही बनेगा। भारतवर्ष में शायद इससे बड़ी भविष्यवाणी कभी नहीं हुई। भारतवर्ष महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ। नमस्कार, मैं अनुपम खेर। न्यूज टेलीविजन इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सीरीज भारतवर्ष में आपका स्वागत है। भारतवर्ष हमारे आपके भारत के बनने और बढ़ने की कहानी है। भारत के इतिहास में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनका जीवन, जिनकी बातें, जिनकी दी सीख ने इस भारत को बनाया है। अब सवाल यह है कि लोग इतने महान कैसे बने कि आज से 2500 साल पहले की घटना भी हमारी रगों में है और आज भी हमारी सोच के पीछे उनकी सोच होती है। ये महानता की कहानी नहीं है, ये आम से महान बनने की कहानी है। अगर भारत महान है, बड़ा है, आदरणीय है, तो उसके पीछे के महान लोगों की कहानी है। इस सीरीज में सबसे पहले गौतम बुद्ध। भारत से लगे नेपाल के इसी लुम्बिनी में लगभग 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था। आज से लगभग 2500 साल पहले जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, तब उत्तरी भारत कई राजवंशों और गणतंत्रों में बंटा हुआ था। सिद्धार्थ गौतम के पिता शुद्धोधन शाक्य जाति के चुने हुए मुखिया थे। लुम्बिनी से कुछ मील की दूरी पर स्थित कपिल वस्तु से शासन चलाते थे। सिद्धार्थ के जन्म से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। उन कहानियों में से एक उस सपने की कहानी भी है जिसे सिद्धार्थ की मां ने उनके जन्म से पहले देखा था। मां माया देवी ने स्वप्न देखा, एक श्वेत हाथी, 6 दंत वाला सफेद श्वेत हाथी आकाश से आए और मां माया देवी को 3 बार परिक्रमा करके उनमें प्रवेश हो गया। ये सपना उन्होंने देखा। इस अद्भुत विचित्र स्वप्न के 10 महीने बाद मां महामाया ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसे नाम दिया गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ यानी जिसकी सारी इच्छा पूरी हो। जन्म के बाद असित नाम के बड़े ऋषि कपिलवस्तु पहुंचे। सिद्धार्थ को उनके सामने लाया गया। नवजात सिद्धार्थ ने अपनी टांगें असित मुनि की दाढ़ियों में फंसा दी। प्रसन्न मुनि ने कुछ देर बाद रोना शुरू कर दिया। महर्षि, बालक सिद्धार्थ को कुछ
कुछ अशुभ होगा क्या महर्षि? कुछ तो बोलिए महर्षि। नहीं राजा शुद्धोधन, नहीं, स्वयं काल भी इस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बालक तो बुद्ध बनेगा, बुद्ध। महर्षि जी, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि ये बालक बुद्धि का धनी होगा, बुद्ध होगा। परंतु ये कहते हुए आपकी आंखों में ये अश्रु क्यों? मंत्री, तुम बहुत भोले हो। जब ये बालक बुद्ध बनेगा, मैं धरती पर नहीं रहूंगा, इसीलिए रो रहा हूं। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन और उनके मंत्रियों को असित मुनि की बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई। बाद में पिता शुद्धोधन ने ब्राह्मणों के एक दल को बुलाया। ब्राह्मणों ने बालक सिद्धार्थ को देखा और ज्योतिष गणना की। महाराज, इस देव पुत्र शिशु की दो ही गतियां हैं, तीसरी नहीं। यदि ये राजमहल में टिका रहा तो ये अपनी तलवार की नोक से सारी धरती नाप आएगा। अपने वेगवंत रथ के चक्र से ये पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान लेगा। जहां जहां सूर्य का प्रकाश है और जहां जहां अंधकार है, वहां वहां इसकी राज्य सीमा और विजय पताका पहुंचेगी। ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। परंतु क्या महाराज? परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गए? परंतु राजन, यदि ये देव कुमार घर छोड़कर बेघर हो गया, प्रवर्जित हो गया, सन्यासी हो गया, तो ये धर्म विजय करेगा। धर्म विजय जो सम्यक संबुद्ध अरिहंत होगा। राजा शुद्धोधन के महल में मौजूद 8 में से 7 ब्राह्मणों ने इसी बात को दोहराया। या तो सिद्धार्थ महान सम्राट बनेगा या धर्म प्रवर्तक सन्यासी। लेकिन वहां मौजूद ब्राह्मणों में से सबसे छोटा कौंडिन्य नाम का ब्राह्मण खड़ा हुआ। महाराज शुद्धोधन, इस शिशु की एक ही गति है, दूसरी नहीं। तुम्हारा ये पुत्र बड़ा होकर इस विश्व में, इस संसार में एक नए धर्म की स्थापना करेगा और मैं यहां पर उपस्थित सभी ब्राह्मणों और काल गणनाकारों को चुनौती देता हूं कि इस राजपुत्र की एक ही गति है, दूसरी नहीं। महाराज, ये आपके महलों, रंगशालाओं और सुंदर बालाओं के बहुपाश में बंध ना सकेगा। ये अपना घर छोड़कर सन्यासी अवश्य बनेगा। महाराज, शाक्य कुमार की एक ही गति है, दूसरी नहीं। राजकुमार सिद्धार्थ की मां महामाया की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। लेकिन ब्राह्मणों की भविष्यवाणियों से परेशान पिता शुद्धोधन ने दुख से जुड़ी हर बात को महल से निकाल फेंका। सिद्धार्थ के पास महल से बाहर निकलने का मौका ही नहीं था। सुख भोग विलास के अलावा भी जीवन के दूसरे रंग हो सकते हैं, ऐसी बातें सिद्धार्थ से दूर रखी गई। अपने इस जीवन की चर्चा खुद सिद्धार्थ ने आगे चलकर की थी। भिक्खु, मैंने सुख से भरा हुआ जीवन गुजारा था, बहुत ही ज्यादा सुख। मेरे 3 महल थे,
एक जहां मैं सर्दियों में रहता था, एक जहां मैं गर्मियों में रहता था और एक जहां मैं बरसात में रहता था। बरसात के चार महीनों में मेरे मनोरंजन के लिए दर्जनों नाचने गाने वाली युवतियां रहती थी। उनमें एक भी पुरुष गाने और नाचने वाले नहीं होते थे। ये सब इसलिए कि सिद्धार्थ गौतम सन्यासी ना हो जाए। जिस तरह से सिद्धार्थ मौज मस्ती नाच गाने में डूबे, राजा शुद्धोधन को लगा कि असित मुनि और कौंडिन्य ब्राह्मण की बात गलत होकर रहेगी। उनका बेटा भारत का महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ना कि घर घर घूमकर भिक्षा मांगने वाला सन्यासी। सिद्धार्थ जब 16 साल के हुए तब उनके पिता ने एक और बड़ा फैसला किया। फैसला था सिद्धार्थ की शादी का। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। यशोधरा ने सिद्धार्थ को स्वयंवर में चुना। विवाह के बाद जिस तरह से सिद्धार्थ यशोधरा के प्रेम में डूबे, उससे राज परिवार की चिंताएं दूर होने लगी। सवाल था कब तक। राजा शुद्धोधन ने महल और उसके आसपास से हर उस चीज या व्यक्ति को हटा दिया जिससे राजकुमार का मन प्रभावित हो सकता था। राजा के निर्देश पर गरीब, लाचार और बीमार लोगों को महल से दूर कर दिया गया। महल के आसपास फैंटेसी से भरी दुनिया तैयार कर दी गई, जहां सब कुछ अच्छा अच्छा था, सभी लोग सुखी दिखाई देते थे। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने दोस्त और सारथी छंदक से कहा, वो महल से बाहर घूमना चाहते हैं। ये खबर राजा शुद्धोधन तक पहुंची। बंधुमान, नगर नायक को स्पष्ट कर दो कि आज से सिद्धार्थ के किसी भी मार्ग में कोई वृद्ध, कोई नंगा भिखारी, कोई दरिद्र, मृतक, कोई सन्यासी ना आ सके, और उनके तीनों महलों में सुरा और सुंदरियों का प्रबंध चौगुना, नहीं चौगुना नहीं, 100 गुना कर दो। राजा शुद्धोधन ने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं की, लेकिन हुआ वही जिसका भय राजा शुद्धोधन और राज परिवार को सता रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की नजरों के सामने एक वृद्ध व्यक्ति था। ये कैसा मनुष्य है? छंदक, ये इतना झुक कर क्यों चल रहा है और डंडे के सहारे क्यों चल रहा है? बोलो ना छंदक। राजकुमार, ये व्यक्ति जरा से पीड़ित है, वृद्ध है, बूढ़ा है। वृद्ध? ये वृद्ध क्या होता है? राजकुमार, वृद्धावस्था में हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है, हमारी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। ये व्यक्ति जो अभी यहां से गया है, इसका शरीर पहले हमारी तरह ही होगा, परंतु वृद्धावस्था में आते आते इसका शरीर काफी दुर्बल और लाचार हो गया है। हमारे राज्य में यही एक वृद्ध है क्या? इसके जैसा और कोई नहीं है? जो जन्मा है वो वृद्ध भी होगा, ये प्रकृति का नियम है। तो क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? मैं भी इसके जैसा ही दिखने लगूंगा? राजकुमार, राजा हो या रंक, जो जीवित रहेगा वो एक आयु के बाद वृद्ध होकर ही रहेगा। छंदक,
महल वापस चलो। जी। इससे अंदाजा लगाइए कि सिद्धार्थ एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि बुढ़ापा भी जीवन का हिस्सा है। सिद्धार्थ गौतम से जुड़ी हुई कहानियों के मुताबिक उन्हें पहली बार यह आभास हुआ कि वृद्धावस्था, बूढ़ा होना उम्र का एक ऐसा पड़ाव है जिससे कोई नहीं बच सकता। जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति नहीं है। महलों में भोग विलास के बीच पले बढ़े सिद्धार्थ का इस तरह से एक के बाद एक रोग और मृत्यु जैसी सच्चाइयों से सामना हुआ। सिद्धार्थ के जीवन में उस वक्त क्या चल रहा था उसका बस अंदाजा लगाया जा सकता था। बहरहाल जीवन के जो अनुभव एक के बाद एक सिद्धार्थ को मिल रहे थे उसमें जल्द ही एक निर्णायक मोड़ आया। सिद्धार्थ का सामना एक सन्यासी से हुआ। मन के भीतर झांको और शांति को खोज लो। छन्ना, ये अलग से दिखने वाले पुरुष कौन है और इन्होंने और सब लोगों से अलग वस्त्र क्यों धारण कर रखे हैं? देव, ये प्रवर्जित हैं, सन्यासी हैं। ये अपना संसार छोड़ चुके हैं, सो इन्हें सांसारिक वेशभूषाओं से क्या? ये सन्यासी क्या होता है? कुमार, शांति पाने के लिए और उसका लाभ दूसरे प्राणियों को देने के लिए और पुनः संचय के लिए ये सन्यासी बने हैं। वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु के सवालों से सिद्धार्थ का मन जूझ रहा था, तभी उनके सामने एक सन्यासी आया। सन्यास में उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखा और उन्होंने अपने सारथी और दोस्त छंदक के सामने एक बड़ी घोषणा कर दी। छन्ना, मैं भी सन्यासी बनूंगा। मैं भी साधु के साथ दीक्षित होऊंगा। देव, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं गृह त्याग करूंगा। मैं भी सन्यास लूंगा। सिद्धार्थ को इसी फैसले से रोकने के लिए राजा शुद्धोधन ने क्या कुछ नहीं किया था। महल के अंदर भोग विलास की पूरी व्यवस्था थी। दुख और पीड़ा से जुड़ी बातों से भी सिद्धार्थ को दूर रखा गया था। सिद्धार्थ का विवाह भी हुआ और बच्चा भी, जिसके जन्म पर सिद्धार्थ ने कहा, राहुल। कुमार की जय हो। धन्य भाग हमारे। देवी यशोधरा ने आज ही ब्रह्म मुहूर्त में राजकुमार को जन्म दिया। देवी और शिशु दोनों स्वस्थ हैं, सकुशल हैं। जाओ, जाकर छंदक से कहो कि हमारी ओर से देवी का कुशल मंगल पूछने का प्रबंध करें। ये राहु का जन्म है। एक और नया बंधन जन्मा है। राहुल एक साल का हो चुका था। सिद्धार्थ की उम्र 29 साल की थी। राजमहल की दुनिया पहले जैसी ही चल रही थी, लेकिन सिद्धार्थ के मन मस्तिष्क में विचारों का उफान था। सिद्धार्थ इन्हीं विचारों उधेड़बुन के साथ एक रात जागे। सिद्धार्थ ने अपने दोस्त और सारथी छंदक को बुलाया। छंदक से कहा कि जाओ और मेरे प्रिय घोड़े कंथक को लेकर आओ। छंदक घोड़ा लेने चला गया। तभी छंदक समझ गया था कि आज की रात महल में उसके युवराज की आखिरी रात है, लेकिन सिद्धार्थ के जीवन की एक बड़ी लड़ाई बाकी थी। सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा के कमरे तक पहुंचे। यशोधरा सो रही थी, बगल में उनका बेटा राहुल लेटा था। कुछ इस तरह के राहुल का चेहरा दिख नहीं रहा था। द्वार देहली पर सिद्धार्थ रुक गए, वहीं से दोनों को देखते रहे। यशोधरा की तरफ सिद्धार्थ ने हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ रुक गए। सोचा, अगर जाग गई तो। राहुल का चेहरा दिख नहीं रहा था। तभी बाहर से आवाज आई, स्वामी। सिद्धार्थ के मन में द्वंद था। वो यशोधरा के कमरे के बाहर खड़े हो गए। वो सोच रहे थे कि यशोधरा से अंतिम विदाई लेनी चाहिए या नहीं, बेटे का मुंह एक बार देख लेना चाहिए या नहीं। उधर महल के बाहर छंदक उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। छंदक ने आवाज लगाई, स्वामी।
स्वामी। महल में दुनिया की हर सुख सुविधा थी, पत्नी थी, बच्चा था, लेकिन क्या महल की दुनिया का ऐशो आराम सिद्धार्थ गौतम को मुक्ति के लिए प्रेरित कर रहा था? बुद्ध ने यशोधरा और राहुल के साथ भले ही हम लोगों की दृष्टि में अन्याय किया हो, इससे बुद्ध की अपने मनुष्य होने की जो स्थिति है उसमें कोई बड़ी कटौती नहीं होती। तो उसके मन में जो द्वंद्व रहा होगा वो सर्वथा मानवीय द्वंद्व है। बहुत सारे प्रश्नों से जूझते हुए अंततः सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार हुए और चल पड़े। लेकिन राजा शुद्धोधन की आज्ञा थी, इसलिए किले के दरवाजे बंद थे, हर जगह सैनिक तैनात थे। राजकुमार सिद्धार्थ के घर त्यागने की जो कहानियां हम तक पहुंची हैं उनके मुताबिक तैनात प्रहरी गहरी नींद में चले गए और बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। और कहीं कहीं ये कहा जाता है कि उनका घोड़ा कंथक सारी बाधाओं को लांघता निकल गया। आज हम महल छोड़कर जाने के बारे में एक बात तो कह ही सकते हैं कि किसी दूसरे इंसान की तरह ही सिद्धार्थ गौतम के लिए भी वो एक बहुत कठिन निर्णय रहा होगा। और जब वो किले से बाहर निकले तब उनके सामने एक और परीक्षा खड़ी हो गई। रुको सिद्धार्थ, आगे मत जाओ, क्योंकि आज से सातवें दिन इस राज्य का चक्र तुम्हारे कमलों में होगा और तुम सप्तद्वीप नौखंड के प्रतिपालक चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। कौन हो तुम? मैं वसपति मार हूं। मार, मुझे सम्राट या चक्रवर्ती नहीं बनना, मुझे राज चक्र नहीं चाहिए, मैं धर्म का चक्र धारण करूंगा। तुम मुझे जो प्रलोभन दे रहे हो वो मुझे मेरे मार्ग से विचलित नहीं कर पाएगा। इस तरह सिद्धार्थ ने कामना, इच्छा के प्रतीक वसवत्ती मार के प्रलोभन को भी ठुकरा दिया। सवेरा होने वाला ही था, सिद्धार्थ, छंदक और उनका घोड़ा कंथक अनुमा नदी के पास पहुंच गए। मेरे गृह त्याग और निष्क्रमण को संसार अब अनुमा के नाम से जानेगा। देव, ये क्या कह रहे हैं आप? देव छंदक, मेरे ये वस्त्राभूषण और कंथक को लेकर तुम वापस लौट जाओ, मैं अब सन्यास की शरण लूंगा। तुम मुझे भी साथ ले चलिए, मैं भी सन्यासी बनूंगा। आज तक आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। नहीं राजकुमार, नहीं, नहीं। ये बाल यशोधरा को हमेशा से आकर्षित करते रहे हैं, मेरी तरफ से उसे मेरा कुशल कहकर दे देना, और वो अगर अधिक कुछ पूछे तो मौन ही रहना। भिक्षु को प्रसादन से क्या प्रयोजन? यदि मेरा बुद्ध बनना निश्चित है तो ये केश वायुमंडल में ही रहें, अन्यथा भूमि पर गिर पड़े।
भारतवर्ष में आगे देखेंगे। सिद्धार्थ गौतम, तुम पथ भ्रष्ट हो चुके हो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। भारतवर्ष, भारतवर्ष महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ। यदि मेरा बुद्ध बनना निश्चित है तो ये केश वायुमंडल में ही रहें, अन्यथा भूमि पर गिर पड़े। कहते हैं सिद्धार्थ ने अपने बालों का जो गुच्छा हवा में उड़ाया वो हवा में रहा, नीचे जमीन पर आया ही नहीं। और इस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ सबसे पहले सन्यासी बने। लेकिन जिस जगह सिद्धार्थ को पहुंचना था उसका रास्ता उन्हें कौन बताएगा? तो अब उन्हें एक गुरु की तलाश थी। अब सिद्धार्थ पहली बार अकेले थे। कपिल वस्तु से पहले वो तब के मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे। गुरु की तलाश में उन्हें उस समय के बड़े योगी आलार कलाम के पास ले गए। आलार कलाम ने सिद्धार्थ को साधना की कुछ योग विधियां सिखाई। इनसे सिद्धार्थ की जिज्ञासा पूरी नहीं हुई। वहां से चलकर गुरु उद्रक रामपुत्र के पास गए। यहां से भी सिद्धार्थ आगे बढ़ गए। अब उनके साथ 5 शिष्य भी थे। उन्होंने साधना के दूसरे तरीकों को अपनाया। इस बार साधना के केंद्र में उनका शरीर था। प्रकार का जो सन्यास, उसकी अलग अलग परंपराएं थी, उनका इन्होंने लगभग सभी का अनुभव किया बुद्ध ने। जैसे खाना छोड़कर, खाना त्याग कर, या पानी त्याग कर, भूखे प्यासे रहकर, या एक ही टांग पर खड़े होके, या बिना सोए, या मौन धारण करके क्या कुछ अचीव किया जा सकता है। इन्होंने हर प्रकार का अनुभव किया। लगभग 6 साल तक इस योग और अनशन की भीषण तपस्या की, अन्न जल त्यागा, ऐसी कठोर तपस्या की जिससे वो खुद मृत्यु के करीब पहुंच गए। बुद्ध ने कहा, मेरा शरीर दुर्बलता की चरम तक पहुंच गया था। जैसे 80 साल वाले वृद्ध की गांठें होती हैं, वैसे ही मेरे अंग प्रत्यंग हो गए थे। शाकी कुमार, जरा देखिए तो, आप कितने दुर्बल हो गए हैं। ऐसी तपस्या से भला क्या लाभ। देखिए, मैं आपके लिए खीर लाई हूं। सिद्धार्थ समझ गए, ऐसी तपस्या से उन्हें मृत्यु के अलावा कुछ और हासिल नहीं होगा। उन्होंने अन्न जल खाना आरंभ कर दिया। मरणासन सिद्धार्थ को सुजाता नाम की लड़की ने खीर पिलाई। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि सिद्धार्थ के 5 शिष्यों ने उन्हें घोर तपस्या को त्यागते देखकर उन्हें छोड़ दिया। सिद्धार्थ पर उनके ही शिष्यों ने पथ भ्रष्ट होने के आरोप लगाए। सिद्धार्थ गौतम, तुम पथ भ्रष्ट हो चुके हो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तुम हमारे गुरु नहीं हो सकते। चलो चलो साथियों, आओ। अब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति का नया तरीका ढूंढना था। कहते हैं उन्हें एक वीणा बजाने वाला दिखा। सिद्धार्थ ने देखा कि जब वीणा के तार को ढीला छोड़ दिया जाता है तब वीणा बजती नहीं थी, और जब कसकर भरा जाता था तो तार टूट जाता था। जब तार की कसावट कहीं बीच में होती थी तो मधुर संगीत निकलता था। वीणा की इस प्रकृति ने सिद्धार्थ को रास्ता दिखाया, मध्यम मार्ग का। यही मार्ग ज्ञान प्राप्ति की अवस्था तक उन्हें ले जाने वाला था। जब बुद्ध थे तो अतिरेकों का जमाना था, बहुत कर्मकांड का भी अतिरेक था, और दूसरी तरफ सन्यासियों और इस तरह के लोग जो थे कि बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दो, सन्यास ले लो, वो भी एक अतिरेक था। तो एक तरफ भोग विलास कर्मकांड का अतिरेक,
दूसरी तरफ विराग सन्यास सब कुछ छोड़ने का तिरेक। उन दोनों के बीच बुद्ध ने मध्यम निकाय की बात की, यानी बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग, जिसमें अतिरेकों से बचा जाए। मध्यम मार्ग सिद्धार्थ गौतम की शिक्षा का सार माना जाता है, लेकिन यहां तक पहुंचने में सन्यासी सिद्धार्थ को 7 साल लग गए। जिस ध्यान और ज्ञान की तलाश उन्हें थी वो अभी दूर था। सिद्धार्थ को पता चल गया कि न घोर तप से उन्हें वो ज्ञान प्राप्त होगा और न ही राजमहलों में भोग विलास से। मध्यम मार्ग रास्ता ही मुक्ति का रास्ता है। अंततः आज के बिहार के गया जिले में सन्यासी सिद्धार्थ गौतम उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे जिसे आज पूरी दुनिया बोधि वृक्ष के नाम से जानती है। गया पहुंचकर राजकुमार सिद्धार्थ से सन्यासी बने सिद्धार्थ एक बार फिर साधना में लीन हो गए थे। जब वो बैठे बोधगया में, तो बैठने के पहले उन्होंने एक संकल्प लिया, इहासने सुसतुमे शरीरम त्वगस्थि मानसंग प्रलयंग चयातो अप्राप्य बोधि बहुकल्प दुर्लभाम नैवा सनात मतस्चलिष्यते। मैंने इसी आसन में, इहासने सुस, इसी शरीर से जो अप्राप्य बोधि है उसको बिना प्राप्त किए हम नहीं उठाएंगे। एक तरफ सिद्धार्थ प्रण कर ध्यान में लीन थे, दूसरी तरफ इसी अवस्था में उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती से जूझना था। सिद्धार्थ के सामने अहम राग द्वेष और अहम का प्रतीक माना जाने वाला मार फिर आया और सिद्धार्थ के ध्यान में खलल डालना शुरू किया। हम लोग हिस्ट्री में ये समझते हैं कि ये मार नाम का एक जो विषय है वो एक अड़चन का उदाहरण है। अड़चन को ही मार कहा गया है, हेजिटेशन को मार कहा गया है। मार ने अपने राक्षसों के साथ सिद्धार्थ के ध्यान को भंग करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। सन्यासी सिद्धार्थ गौतम ध्यान के एक स्तर से दूसरे स्तर तक बढ़े जा रहे थे। उनके सामने अतीत की स्मृतियां घूम कर निकल रही थी और अंततः 35 साल के सिद्धार्थ बुद्ध बने। बुद्ध यानी वो जो जागृत हो। उन्होंने संबोधि प्राप्त की थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। अनेक जाति संसारंग संदा विसंग अनिविसंग गह कारक गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुनः गेहंग न कायसी सब्बा ते फासुका बग्गा गह कूटंग विसंखितंग। हे ग्रह कारक, अनेकों बार इस संसार में मैंने जन्म लिया है, इस भव चक्र मेरा आवागमन जारी रहा है, लेकिन अब तुझे मैंने जान लिया है, समझ लिया है, अब तू पुनः घर नहीं बना सकता है, यह मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद मेरा जन्म नहीं होगा, पुनः भवोति तीति, इस संसार में मेरा पुनः आगमन नहीं होगा। बुद्ध को आनंद अनुभव हुआ, वो अपनी सारी जो सारा विराटता के साथ, पूरे संभूति के साथ, संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकीभूत हो गए। एक उसे बात तो देखता है सारा हम, सारा सब कुछ हमें, हर कण कण में, हर में वो अनुभव करता है, वही चेतना है, वही हम है। ये अनुभव तो होना कि हर कण में वही है, हर चीज में वही, तो अपने आप को आत्मसात कर देना पूरे ब्रह्मांड से, पूरी दुनिया से, पूरी मानवता, ये निर्वाण का अर्थ होता है। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम गौतम बुद्ध बन गए, लेकिन बुद्ध बनने के बाद वो एक बार फिर दुविधा में थे, असमंजस में थे। जो ज्ञान, जो बोधि उन्हें प्राप्त हुई थी उसे बताएं या ना बताएं, और बताएं तो किसे बताएं, बताने पर लोग उन्हें पागल तो नहीं समझेंगे। गौतम बुद्ध अपने 5 साथियों को ढूंढते हुए वाराणसी के पास ऋषिपतन मृगदाव नाम की जगह पहुंचे। यही जगह आज सारनाथ के नाम से जानी जाती है। यहां एक पीपल का पेड़ है
जिसके नीचे गौतम बुद्ध की उपदेश देती हुई एक मूर्ति लगी है और उसके सामने उनके पांच शिष्य बैठे हुए हैं। लेकिन जब बुद्ध का अपने पुराने शिष्यों से आमना सामना हुआ तो उनके शिष्यों को शंका हुई। मेरे पुराने साथियों ने दूर से मुझे आते हुए देखा। मुझे देखते ही उन लोगों ने आपस में बातचीत शुरू कर दी। भंते, गौतम आ रहा है जो सन्यास और तप के रास्ते को छोड़कर सुखमय जीवन बिता रहा है। वो इस लायक नहीं कि हम उसके आदर के लिए खड़े हों, ना ही उसे प्रणाम करने की जरूरत है, ना उसके भिक्षा पात्र को पकड़ने की जरूरत है। बस उसे बैठने के लिए आसन दे देते हैं, अगर वो बैठना चाहे तो बैठ जाए। लेकिन जैसे ही मैं उनके नजदीक पहुंचा वो अपने निर्णय पर अडिग न रह पाए। उनमें से एक ने मुझे प्रणाम किया और मेरा चिवर और पात्र ले लिया, दूसरे ने आसन तैयार किया और तीसरा पानी लाकर मेरे पांव धोने लगा। लेकिन ये मुझे मित्र कहकर बुला रहे थे। बुद्ध ने जिन्हें सबसे पहले ज्ञान देने का फैसला किया था, वो उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे। कहा जाता है पीपल वृक्ष के नीचे ये बातचीत चल रही थी। बुद्ध अपने पुराने साथियों को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर बुद्ध ने कहा, परंतु तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। भंते भंते, क्या कभी तुमने मुझसे पहले ये कहते हुए सुना है? क्या पहले मैंने ये कहा कि मैं बुद्ध हो चुका हूं? नहीं देव। गौतम बुद्ध ने इस जद्दोजहद के बाद अपना पहला उपदेश दिया। भिक्षुओं, इन दो अतियों को त्यागना। ये दो अतियां हैं काम सुख में लिप्त होना और शरीर को पीड़ा देना। मैंने इन दोनों अतियों के बीच का मध्यम मार्ग खोज निकाला है जो ज्ञान देने वाला है, शांति देने वाला है और दृष्टि देने वाला है। ये मध्यम मार्ग आठ अंगों वाला है, जैसे ठीक दृष्टि, ठीक संकल्प, ठीक वचन, ठीक स्मृति, ठीक प्रयत्न, ठीक जीविका और समाधि। फोर नोबल ट्रुथ्स, चतारी अरिया सचानी और अठंगी को मग्गो, ये बौद्ध धर्म का जो है बुद्ध की टीचिंग्स का मतलब एक जो है निचोड़ है। बेसिकली सारा बौद्ध धर्म जो है बुद्ध की शिक्षाएं इसी चीज के ऊपर जो है बेस्ड है। बनारस के पास ऋषिपतन मृगदाव यानी आज के सारनाथ में बुद्ध के इन उपदेशों को धर्म चक्र परिवर्तन या धम्म चक्र पवतन कहा जाता है। अपने उपदेशों में महात्मा बुद्ध ने दुख की असली वजह और उससे निकलने का मार्ग दिखाया। अब जैसे भूख लगी तो दुख हो रहा है तो खाना खा लेंगे तो क्षणिक जो होता है हमको उससे फिर भूख आएगी, फिर हमको खाना खा। लेकिन दुख जो अत्यंत की एक बार जो दुख गया फिर नहीं आए, ये निर्वाण। तो फिर वो परमार्थिक सत्य के साथ जब तब फिर दुख नहीं आए, दुख का बोध ही नहीं होगा कभी। सारनाथ में पहले उपदेश के बाद गौतम बुद्ध के पास आम लोगों का तांता लग गया। घर बार त्याग कर शिष्य बनने के इच्छुक लोग उनके पास आने लगे। संन्यास धारण करने वाले अपने शिष्यों के लिए उन्होंने संघ बनाया। संघ को आश्रम समझ लीजिए। संन्यास के साथ ही सिद्धार्थ समझ चुके थे कि धर्म का रास्ता सबके लिए सहज होना चाहिए, न कि किसी एक वर्ग के लिए सीमित रहना चाहिए। इसीलिए संघ का दरवाजा उन्होंने सभी के लिए खोल दिया था। ना जच्चा वसलो होती, ना जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुना वसलो होती, कमुना होती ब्राह्मणों। यानी कि कोई ना तो ब्राह्मण जन्म से बनता है, ना ही कोई शूद्र जन्म से बनता है। अपने कार्य से, कर्म से एक व्यक्ति ब्राह्मण बनता है या शूद्र बनता है। तो बुद्ध का ये कहना था कि जो जातिवाद है वो जन्म आधारित जो है वो ठीक नहीं है, और ये एक व्यक्ति के कर्म के ऊपर आधारित होना चाहिए। बुद्ध ये बातें तब कर रहे थे जब जाति प्रथा की जड़ें बहुत गहरी नहीं हुई थी।
आगे चलकर जातियों ने हिंदू धर्म को कैसे जकड़ा, ये बात सबके सामने है। सोचिए, आज से 2500 साल पहले बुद्ध समाज में जिन परिवर्तन और बदलावों की बात कर रहे थे, वो आज भी हमारे समाज के लिए मौजूद है। बुद्ध ने परिवर्तन की शुरुआत तो संघ से ही कर दी। उन्होंने जिस संघ की स्थापना की, उसके दरवाजे सभी वर्णों के लिए खोले। साथ ही संघ में शामिल होने की अनुमति महिलाओं को भी दे दी। संघ में शामिल होने वाली पहली महिला बुद्ध का लालन पालन करने वाली उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद 44 साल तक जीवित रहे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके जीवन की बड़ी घटनाओं के बारे में जानकारी बहुत कम है। इन 44 सालों में बरसात के 3 महीनों को छोड़कर वो लगातार घूमते रहे, जहां तहां ठहरते और लोगों को धर्म दर्शन का उपदेश देते। इसी तरह वो अपने जीवन के 80वें साल वैशाली से चलकर तब के कुशीनारा और आज के कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने चुंद नाम के सुनार से भिक्षा मांगी। चुंद से मिली भिक्षा को बुद्ध ने खाया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। ये तस्वीर उसी घटना को दर्शाती है। बुद्ध जानते थे कि मेरे न रहने के बाद लोग चुंद को गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे, तो आनंद को बुलाकर कहते हैं कि हे आनंद, इस चुंद का भोजन उतना ही महत्वपूर्ण है कि जितना सुजाता का खीर नाम। जिस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने सुजाता की खीर को ग्रहण करने के बाद में सम्यक संबोधि की प्राप्ति की थी, अर्थात बुद्ध बने थे, वो एक कारण बना था। इसी तरह से इस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के बाद तथागत को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आज जहाँ ये मंदिर है, वहाँ तब साल वृक्षों का जंगल हुआ करता था। जिस अवस्था में बुद्ध की ये मूर्ति है, कहा जाता है ठीक उसी अवस्था में बुद्ध तब यहाँ लेटे थे। बुद्ध के पास उनके शिष्य और मित्र आनंद मौजूद थे। बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागने की घोषणा कर दी। आनंद, मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरा अंतिम समय समीप है। अब मैं 80 वर्ष का हो गया हूं। अब इन्हीं साल वृक्षों के बीच इसी कुशीनारा के उद्यान में रात्रि के तीसरे प्रहर तथागत को परिनिर्वाण प्राप्त होगा। इसे परिनिर्वाण कहा गया। बाद में महात्मा बुद्ध की शिक्षा क्या है और उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए उनके शिष्यों ने एक परिषद बुलाई। उनकी शिक्षा को कंठस्थ याद किया गया और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ाया गया। महात्मा बुद्ध के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया गया और उसके अवशेष को उनकी मृत्यु के 200 साल बाद भारत के सम्राट राजा अशोक के काल में बौद्ध मंदिर में स्थापित किया गया और उनकी सीख को विश्व भर में फैलाया गया। बुद्ध ही एक सबसे पहले ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने ये दुनिया को ये बतलाया कि एक असंप्रदायिक सार्वभौम भावधारा के माध्यम से ही विश्व बंधुत्व की स्थापना की जा सकती है। उनका ऐसा विचार रहा कि जो देयर इज वन वर्ल्ड एंड वन ह्यूमैनिटी, और जो मनुष्य समाज है वो अविभाज्य है। कोई भी विचारधारा जो मनुष्य के बीच रेखा खींचता है, बांटता है, वो गलत है। हर किसी को अपनी मुक्ति का रास्ता खुद तलाशना होगा। कोई देव नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई बुद्ध नहीं, कोई तथागत नहीं, खुद आप अपनी मुक्ति का रास्ता तलाशेंगे। ये सीख थी बुद्ध की। स्वयं अपने बारे में, अपने ज्ञान के बारे में बुद्ध ने कहा था कि मेरी सीख, मेरे ज्ञान का इस्तेमाल उतना ही करो जितनी जरूरत हो और आगे बढ़ो। शरणं गच्छ।
शिशुओं, मेरे ज्ञान का उपयोग करो और अपने जीवन का रास्ता स्वयं ढूंढो। आत्मदीपो भव, मेरी सीख, मेरे ज्ञान का इस्तेमाल जितनी जरूरत हो करो और आगे बढ़ो। भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया में इस बात को कहने वाला शायद ही कोई और व्यक्ति होगा। अहिंसा, मध्यम मार्ग, धार्मिक कर्मकांड की जगह करुणा, दया, सिंपति, दो इंसानों के बीच जाति, धर्म, गरीबी, अमीरी की वजह से फर्क न करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसे महात्मा बुद्ध ने हमारी सोच में स्थापित कर दिया। ऐसा नहीं कि जिस दर्शन की बात महात्मा बुद्ध ने की उसकी चर्चा उनसे पहले भारत में नहीं हो रही थी, लेकिन महात्मा बुद्ध ने जिस तरह से इन बातों को आम जन के बीच स्थापित किया, उसने भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। भारतवर्ष के अगले एपिसोड में देखिए। आज मैं प्रण ले लूं कि जब तक तुम्हारी सत्ता का समूल नाश न कर दूं, मैं अपनी शिखा नहीं मारा। भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेर के साथ।